भोजपुरिया शेर पवन सिंह पहुंचे हैं कपिल शर्मा के शो में। अब आप ये जानना चाहते होंगे कि कब, कहां, कैसे, किस तरह, कब ये आने वाला एपिसोड है। अरे भाई शांत रहिए, शांत हम हैं ना आपको बताने के लिए। तो भाई अगले वीक में आपको ये एपिसोड देखने को मिलेंगे, और तो और आपको 2 दिन लगातार ये एपिसोड देखने को मिलेंगे। जी हाँ, इस एपिसोड की शूटिंग लगातार 2 दिन तक चलती रहेगी, और इस एपिसोड में यकीन मानिए इतना मज़ा आया है, इतना मज़ा आया है कि आप हंस हंस कर लोटपोट हो जाएंगे। कपिल शर्मा के शो में पहली बार पवन सिंह जा रहे हैं। इसके पहले खेसारी लाल यादव, रवि किशन, मनोज तिवारी और निरहुआ जा चुके हैं। एक्ट्रेसेस में आम्रपाली दुबे और रानी चटर्जी ने शिरकत की है, लेकिन पहली बार पवन सिंह अकेले यानी शेरों की तरह एंट्री करेंगे। क्यों शेरों की तरह एंट्री करेंगे, हम आपको बता दें कि वो अपनी फिल्म शेर सिंह के प्रमोशन के लिए वहां गए हैं। वैसे बताया जा रहा है कि शेर सिंह बड़ा ही कम बिजनेस की है, जिसके प्रमोशन के चक्कर में अब पवन सिंह गए हैं। जी हाँ, उनके साथ गई हैं आम्रपाली दुबे। आम्रपाली ये दूसरी दफ़ा है जो कपिल शर्मा के शो में जा रही हैं। इसके पहले वो निरहुआ, खेसारी लाल यादव और रानी चटर्जी के साथ शो में शिरकत कर चुकी हैं, और अब आपको बताते हैं क्या हुआ शो में। भाई लगातार कपिल शर्मा के शो में इतना एंटरटेन किया गया, इतना एंटरटेन किया गया कि अर्चना पूरन सिंह की हंस हंस के लोटपोट हो गए। कपिल शर्मा ने भी पवन सिंह की जमकर तारीफ की। जी हाँ, पवन सिंह से वो पहली बार मिले हैं। आपको बता दें कि पवन सिंह से मिलने के बाद क्या कहा कपिल शर्मा ने। कपिल शर्मा ने यहाँ ये कहा कि वो लॉलीपॉप लागे लू गाना बार बार कहीं ना कहीं जहाँ जाते हैं इंडिया में और इंडिया से बाहर हर जगह सुना करते थे, लेकिन वो अपने मन में हमेशा सोचा करते थे कभी न कभी इस सिंगर से मुलाकात होगी। यहाँ कपिल शर्मा ने एक और खुलासा किया। उन्होंने ये कहा कि वो लगातार पवन सिंह से कई दफ़ा रिक्वेस्ट कर चुके थे कि उनके शो में आए, लेकिन पवन सिंह इतने बिजी रहते हैं कि उन्हें टाइम ही नहीं मिल रहा था। फिर जैसे तैसे करके कपिल शर्मा की टीम ने पवन सिंह के लिए कोई डेट फिक्स की, ताकि पवन सिंह आकर कपिल शर्मा के शो में इस शो की आन बान शान बन चुके। वैसे तो आपको बता दें कि कपिल शर्मा के शो में बॉलीवुड की कई दिग्गज हस्तियां आ चुकी हैं, और अब वहां पहली बार कोई अपनी फिल्म का प्रमोशन करने जा रहा है। जी हां, ऐसा पहली बार हो रहा है कि पवन सिंह अपनी फिल्म शेर सिंह का प्रमोशन कपिल शर्मा शो में करेंगे। द कपिल शर्मा शो कितनी TRP गेन करता है ये आप सभी जानते हैं, कितना लोग इसे पसंद करते हैं ये आप सभी जानते हैं, और अब जब पवन सिंह यहाँ पहुँचेंगे तो कितनी बड़ी पॉपुलैरिटी गेन करेंगे ये आप अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं।